वेलकम परिवार, हम पहुंच चुके हैं माथेरान में और अब हम अपनी गाड़ी सबसे पहले पार्किंग में खड़ी करेंगे जहां हमने 100 रुपये दिए थे नेक्स्ट डे तक के लिए। हम नेक्स्ट डे निकलने वाले थे तो यहां पे हमने गाड़ी पार्क करी। इस बार बहुत ही कम भीड़ थी। इसके बाद की जो जर्नी है वो आपको पैदल पैदल कवर करनी है और टॉय ट्रेन से। इससे पहले भी मैंने शायद 1-2 साल पहले माथेरान का वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। वो भी ज़्यादा नहीं चला था, इससे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। चलिए अंदर एंटर करते हैं। मूल्य क्या है? 211 माथेरान नगर परिषद का ये 100 रुपये का रेट। चलिए क्या हुआ? तो अंदर एंटर करने के लिए हमने 100 रुपये दिए, 50-50 पर हेड। तुम कहाँ कहाँ आ गए हो? हाँ, खुद बिस्किट लूंगी तो दूंगी तुम्हें। एंटर करते ही आपको MTDC रिजॉर्ट मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड पे पड़ेगा और इसका जो किराया था वो 2500 से 3000 के अराउंड था। नहीं अभी कुछ नहीं है। अच्छा ये वाला वो है क्या, तुम कह रहे हो देखना है क्या? यहाँ मैं आपको बता दूँ, MTDC जो रिजॉर्ट है वो अमन लॉज में है और माथेरान अभी भी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ जाने के लिए आपको टॉय ट्रेन लेना पड़ेगा या फिर पैदल जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, या फिर आप घोड़े पे चढ़कर जा सकते हैं। तो अमन लॉज में आपको कोई मार्केट वगैरह नहीं मिलने वाली है, सारी मार्केट रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ आपको माथेरान में ही मिलेगा। हमने यहाँ अंदर जाने का टूर दे दिया है। कितना लिया? 100 रुपये पर पर्सन। हमारे साथ ये भी आ रहा है, ये फ्री में जा रहा है। जो बंदा बंदा काफी है, इसको चलना पड़ेगा। वेट कर रहा है। चलो निकल ले कुछ। तुम एक चीज बताओ, माथेरान ऐसी जगह है जहाँ पे कार अलाउड नहीं है लाइक पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रास्ता ही नहीं है? नहीं है ही नहीं यार, ये रास्ता बंद है ना। इस जगह गाड़ी नहीं अलाउड होती ना क्योंकि ऊपर रास्ता नहीं है। रास्ते में जूतों की आवाज आ रही है। चर चर चर। हाँ दोस्त कहाँ जा रहा है हमारे साथ? जिसे उम्मीद है कि कुछ मिलेगा, बिस्किट विस्किट मिल जाएगा। तुमने इसको उम्मीद दे दी है? 5 रुपये का चाहिए। माथेरान पहुँचते पहुँचते हम थक गए और अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि माथेरान आए तो मत भूलिएगा कि आपको पैदल तो बहुत चलना पड़ेगा, तो जूते हमेशा स्पोर्ट शूज़ या फिर ट्रैकिंग वाले ही लेकर आइए। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गाड़ी की टाइमिंग रहती है, हर 2-2 घंटे बाद चलती है ये जो टॉय ट्रेन है और ये ही इसका ट्रैक है। तो या तो आप 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं या फिर टॉय ट्रेन। पापा
यहाँ आपको बंदर काफी ज्यादा तादाद में दिख जाएंगे, तो अपना सामान संभाल के रखिएगा, फोन या फिर हाथ में खाने पीने की कुछ चीजें तो बिल्कुल भी मत रखिए, खाना है तो कहीं बैठ कर खाइए। यहाँ पे हमने मैगी मंगाई है, 60 रुपए की मिली, और चाय मंगाई है, चाय इसके बाद आएगी। शाम हो गई हमें पहुँचते पहुँचते, इसीलिए हम अब यहाँ रुकेंगे। काटा नहीं है यहाँ पे चम्मच, ये अभी पिछड़ा हुआ है। तो माथेरान हम पहुँच चुके हैं, और पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो गई, क्योंकि एक रास्ता हमने मिस कर दिया था, जहाँ से 15 से 20 किलोमीटर का वो पड़ गया था, गैप पड़ गया था, तो हमें 15-20 किलोमीटर और आगे आना पड़ा था। तो पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा कि बहुत देर से चले ही जा रहे हैं। पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा शाम हो गई, और 4:45 तो बज ही गए थे। फिर हमने चाय पी और मैगी खाई, और अभी हम वेट कर रहे हैं, 5:45 की ट्रेन है, जो टॉय ट्रेन होती है वो, तो वो पकड़ के अभी माथेरान जो मेन है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर है, तो ध्यान से देख कर चलना पड़ रहा है, कहीं कोई आके कुछ छीना झपटी ना कर ले। इधर बैठे हैं दो बंदर, और यहाँ बैठे हैं दो बंदर, आगे भी होंगे। टिंग टिंग टिंग, तुम्हें इसको याद आ रहा है क्या? ऐसे नहीं होता, तू जूम जूम नहीं, रुको, और सर पकड़ लो इसे, तुम करो, सर पकड़ो, गुस्सा कर रहा है। तो काफी थकावट हो गई थी, पंकज काफी थक गया था गाड़ी चला चला के, तो वो लेट गया। अभी हमारी ट्रेन आने में काफी समय था, और सभी वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। ये देखिए, ये अमन लॉज, इस स्टेशन का नाम है। देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब पंकज ये रिकॉर्ड करने जा रहा है कि मुझे इस स्टेशन पे आकर अचानक से याद आता है पिछले जन्म के बारे में, और मैं बस वही एक्ट करने वाली हूँ। तुम्हें समझ था कि तुम जब वर्षों पहले आ चुके हो? जैसे लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ। कहीं तुम्हारे पुराना प्यार तो नहीं अमन? ऐसा लग रहा है मैंने सपने में देखी है तुम्हें। अमन को? यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा थे कि खड़े रहो चाहे बैठे रहो, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा काट चुके थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं? ट्रेन आने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को रिकॉर्ड कर लूँ, और ये देखिए ट्रेन आ रही थी, तो स्लोमो बनाया था इंस्टा के लिए, तो इसलिए ऑब्वियसली ये वीडियो ऐसे बड़ा नहीं आ पाया है। ये देखिए आ गई ट्रेन।